राजस्थान में भजनलाल सरकार का पेपर माफियाओं के खिलाफ लगातार सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। गहलोत सरकार के कार्यकाल में आयोजित हुई उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक हुआ था। इस मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली बार ट्रेनिंग ले रहे 15 थानेदारों को हिरासत में लिया है। राजस्थान में भजनलाल सरकार का पेपर माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। गहलोत सरकार के कार्यकाल में आयोजित हुई उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक हुआ था। संभवतः यह पहला मामला है जिसमें पेपर लीक का खुलासा लिखित परीक्षा ही नहीं फिजिकल इंटरव्यू परिणाम जारी होने के बाद हुआ है। जयपुर के एक ही स्कूल से पेपर लीक का खुलासा होने के बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने रविवार को एफआईआर दर्ज की और ट्रेनिंग ले रहे 15 थानेदारों को हिरासत में भी लिया तथा 3 की तलाश जारी है। हिरासत में लिए आरोपियों में 9 पुरुष व 6 महिला थानेदार हैं। 15 थानेदारों को एसओजी ने सुबह 10:45 पर राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे टॉपर नरेश खेरी सहित 12 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों को क्लासरूम से हिरासत में लिया है। अजमेर राजस्थान लोक सेवा आयोग की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 अब सवालों के घेरे में है। साल 2021 में आयोजित परीक्षा को लेकर पेपर लीक की नकल की बात सामने आई है। उधर आरपीएससी के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि एसओजी की जांच किन बिंदुओं पर चल रही है यह वही बता सकते हैं। आयोग स्तर से कोई जानकारी ली जाएगी तो उनको भिजवाई जाएगी। अभी कोई टिप्पणी अनुचित नहीं होगी। जालौर की एक स्कूल में नरेश नाम का व्यक्ति बताया था, जो LDC है, वो टॉपर है। मैंने पत्रकार वार्ता में बताया था और उसकी जगह डमी बैठा और वो टॉपर बन गया। वो ट्रेनिंग ले रहा जो कल पूछा था, कल पकड़ा गया। पिछली सरकार में मैंने ऐसे ढेर सारे RS 2018, RS 2021, सब इंस्पेक्टर, JEN, रेट, ऐसे सीनियर टीचर सारे खुले उनके तथ्य मैंने पेश किए थे मीडिया के सामने, सरकार को लिखा था, लेकिन सरकार सबको कुंडली मार के बैठ गई। चूंकि सत्ताधारी दल के नेता अधिकारीगण आपस में मिले हुए थे, जिसमें डीपो जारोली को बर्खास्त किया, आरपीएससी का बाबूलाल कटारा पकड़ा गया, प्रमाण थे जब तो उनको बर्खास्त किया, पकड़ा गया, लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए आगे सरकार और एसओजी नहीं बढ़ी। अब एसओजी आगे बढ़ी है। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ वीके सिंह जी को कि वो गहराई में गए और 15 लोगों को उठाया आरपीएस से। 15 नहीं, 250, 300, 300, 400 से ज़्यादा लोग ऐसी ट्रेनिंग ले रहे हैं जिनकी जगह डमी डमी बैठे। उनका अगर वीडियोग्राफी का मिलान कराया जाए और जो बैठा है उसका जो वो एडमिशन कार्ड मिलता है आरपीएससी से निकाल कर मिलान किया जाए, तो ऐसे 300-400 लोग यहाँ मिलेंगे जो फर्जी ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ तक मिलेगा कि लड़की के जगह एक लड़के ने डमी बन के परीक्षा दिए और वो सब इंस्पेक्टर बन गई। तो इन सब प्रमाणों को देने के लिए मैं वहाँ एसओजी जा रहा हूँ और उनको बताऊँगा कि इसमें गहराई में और जाने की जरूरत है। मगरमच्छ बहुत हैं, ये तो प्यादे हैं, उनको पकड़ो। जानकारी देने के लिए कल जिन 15 सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर्स को हम लोग लाए थे उनसे डिटेल पूछताछ चल रही है। काफ़ी आगे और काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हो चुका है। शाम को लगभग 5 और 6 बजे के बीच में हम आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देने के पोजीशन में होंगे। जिस सेंटर से क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था वो जयपुर का सेंटर है। ऑलरेडी सेंटर का एक आदमी को हमने अरेस्ट कर लिया है, वो हसनपुरा के पास में स्कूल है, वहाँ से वो पेपर आउट हुआ था। डिटेल सूचना आपको मैं जब नेक्स्ट ब्रीफिंग कहूँगी शाम के टाइम में, उस समय मैं पूरा डिटेल आपके जो भी सवाल आते होंगे उसके जवाब। सर इतना सा बता दें, अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी अगर हुई है तो उनकी संख्या? अभी तक इस मामले में सेंट्रल सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी हुई है, बाकी भी गिरफ्तारियाँ होंगी जिसकी सूचना हम आपको शाम को बताएंगे। सर ऐसी चर्चा है कि जो ट्रेनिंग चल रही थी सब इंस्पेक्टर की उसमें से काफी सारे कैंडिडेट भाग गए। हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है।